दोस्तों आप लोगों को पता है कुछ दिनों बाद दुनिया खत्म होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे मुझे फॉरवर्ड आया है और ऐसे ही पता नहीं कितने फॉरवर्ड आते होंगे आपके पास भी जिन्हें आप सच मान लेते हो या फिर आपके पेरेंट्स सच मान लेते हैं। तो इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं आप लोगों को कल के पोल का रिजल्ट बता देता हूँ। तो कल हमने एक पोल किया था भाई कि कितने लोग अपने घरों में इस टाइम पर कौन सी गेम्स खेल रहे हैं। तो 58% लोग बोलते हैं कि वो पबजी मोबाइल खेल रहे हैं, 9% लोग बोलते हैं कि वो लूडो खेल रहे हैं और 31% लोग बोलते हैं कि वो दूसरी गेम खेल रहे हैं जो कि उन्होंने मेंशन करी, मोस्टली फ्री फायर। तो आज के लिए मेरे पास जो पोल है आप सभी के लिए वो ये है, आप लोग मुझे बताइएगा क्या व्हाट्सएप पे जो भी फॉरवर्ड आता है आप उसको डायरेक्टली भेज देते हो अपने कॉन्टैक्ट्स पे या थोड़ी बहुत रिसर्च करते हो। तो ऊपर आई बटन में आपको पोल दिख जाएगा, तो जवाब बिल्कुल देना। तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है व्हाट्सएप ने फेक न्यूज से बचने के लिए व्हाट्सएप और गवर्नमेंट ने मिलकर बेसिकली एक नया रेड टिक इजाद किया है। अब ये रेड टिक क्या है, जैसे आप लोगों को पता है व्हाट्सएप पे 3 टिक्स होते हैं, सिंगल टिक मतलब आपने मैसेज भेज दिया है, डबल टिक मतलब वो मैसेज दूसरे के फोन तक पहुंच गया है। अब वो दोनों ही टिक जब ब्लू में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाओ कि बंदे की रीड रिसीप्ट ऑन है और उसने आपका मैसेज पढ़ लिया है। लेकिन आपको पता है अगर कोई फेक न्यूज भेजेगा बहुत ज्यादा तो एक रेड टिक भी आ जाएगा। तो रेड टिक का मतलब है कि आप फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट की निगरानी में आ गए हो। सिंगल रेड टिक मतलब आप उस ट्रैकिंग लिस्ट में आ गए, गवर्नमेंट आप पे नजर रख रही है। डबल रेड टिक मतलब आप बहुत ज्यादा फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे हो तो आप पे अब निगरानी रखी जा रही है और गवर्नमेंट आप पे एक्शन ले सकती है। 3 रेड टिक मतलब आपका गेम खत्म, अब गवर्नमेंट या पुलिस आपके घर पर आएगी और आपको पकड़ करके घसीट के कोर्ट लेकर जाएगी और पूछेगी कि भाई इतने फेक न्यूज क्यों स्प्रेड करते हो। तो ऐसा कुछ मैसेज आपको मिल गया होगा अपने व्हाट्सएप पे अभी तक कि 3 नए रेड टिक्स आ गए हैं व्हाट्सएप के। तो ये जितनी भी न्यूज आपको मिल रही है व्हाट्सएप के थ्रू ये कंप्लीटली फेक है। जी हाँ दोस्तों, अब लोगों के पास इतना खाली टाइम है वो पता नहीं कहां से सोच लेते हैं और टिक भी रेड कलर का ही सोचा उन्होंने, कोई ग्रीन कोई येलो कोई ऑरेंज नहीं सोचा। सबको पता है रेड कलर थोड़ा सा डेंजर का साइन होता है, इस वजह से टिक भी रेड उन्होंने बनाया। अब घर पे खाली बैठे हुए सब लोग तो सब लोग सोच रहे हैं कहां से फेक न्यूज फैलाएं, तो पता नहीं किसने ये रेड टिक वाली फेक न्यूज आप लोगों को बता दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, व्हाट्सएप का ये कोई नया फीचर नहीं है, इवन गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्हाट्सएप का टाइप नहीं हुआ है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। तो ये जितने भी लोगों को मैसेज, खास करके जो पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि अब हमें छुटकारा मिल जाएगा फेक न्यूज से, तो ऐसा नहीं है। इवन आप अभी भी एक फेक न्यूज के ट्रैप में फंसे हो, ये भी फेक न्यूज ही है, जेन्युइन न्यूज नहीं है। अब सबसे आसान तरीका बताता हूं आपको पता कैसे करना है कि अगर ये न्यूज जेन्युइन है कि फेक है। मोस्टली क्या होता है जब कोई न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है ना व्हाट्सएप पे, जो बहुत ज्यादा फॉरवर्ड हो रही होती है, तो उसको एक पेज है ट्विटर पे, ऑफिशियल गवर्नमेंट का पेज है PIB फैक्ट्स चेक करके, तो इस पे आप लोग जाओगे तो ये मोस्टली जितने भी फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं फेक उनको बस्ट करते हैं वहां पे। तो इस पेज को आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली जाके सर्च करोगे ट्विटर पे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सी फेक न्यूज हैं जो ये दिन में बस्ट करते रहते हैं, व्हाट्सएप से रिलेटेड हो गई और भी टेक्नोलॉजी चीजों से रिलेटेड हो गई, तो यहां पे आप लोगों को काफी जानकारी मिल जाएगी। और मैं भी आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जब भी आपको कोई व्हाट्सएप से रिलेटेड न्यूज मिलती है उसको डायरेक्टली ऐसे शेयर मत कर दो, डायरेक्टली फॉरवर्ड मत करो, प्लीज़ थोड़ी सी रिसर्च कर लो, उस पर जाके पता कर लो कि ये न्यूज़ एक्चुअल है या नहीं है। व्हाट्सएप का बस नहीं चलता, मतलब व्हाट्सएप पे न्यूज़ फेक फैलाने वाले कभी भी किसी को भी पैदा कर देते हैं, कभी भी किसी को भी बीमार देते हैं, कभी दुनिया ख़त्म कर देते हैं, कभी व्हाट्सएप का ही खुद का नया फीचर ले आते हैं रेड टिक वाला। तो ऐसी हरकतों से बचने के लिए और अपने आप को फेक न्यूज़ की चेन में ना शामिल करने के लिए प्लीज़ PIB फैक्ट चेक्स के पेज पे जाओ, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही मिलेगी। तो आज का पोल भी यही है, आप लोग प्लीज़ आई बटन में वोट करके बताना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को अभी तक ये रेड टिक वाला मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आया कि नहीं आया, और अगर घर में किसी को आया है तो वो भी बताना, क्योंकि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं, जो पापा लोग होते हैं, वो लोग ज़्यादातर यकीन कर लेते हैं ऐसी चीज़ों पर, वो उन लोगों को पता नहीं होता कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। उनको कोई भी मैसेज कर दो भगवान से रिलेटेड या फिर दुनिया ख़त्म होने वाली है इससे रिलेटेड और कोई भी उल्टी सीधी साइंटिफिक एक चीज का नाम लगा दो तो वो लोग सच ही समझ लेते हैं उसको। तो आई होप आप सभी अब अच्छे से समझ पाएंगे ये रेड टिक वाली चीज बिल्कुल झूठ है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर देना, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए टेक रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको मेरे चैनल से। तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर देना जाने से पहले। मेरा नाम है प्रिंस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।